दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। यहाँ टैबलेट के बारे में जिक्र हो रहा है, इंजेक्शन के बारे में नहीं, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज बात करूंगा एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, तो वो कौन कौन सी है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स काम क्यों आती हैं। देखिए, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया के द्वारा कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है, खाज खुजली फोड़ा फुंसी खांसी आपको हो गई है, चोट आपको लग गई है, जख्म कहीं हो गया है, मुहासे आपको हो गए हैं, UTI इन्फेक्शन आपको हो गया है, कान में नाक में कहीं इन्फेक्शन हो गया है, तब इस तरह की दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन में नहीं किया जाता है। कई डॉक्टर क्या करते हैं, बुखार में इन एंटीबायोटिक टैबलेट को लगा करके देखते हैं, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती हैं। बात कर लेते हैं नंबर एक पर एजिथ्रोमाइसिन, एक साल्ट है। बात करें कंपनी के नाम की तो ये आती है एजी 500 यानी एजी 500 mg में। इस्तेमाल कहाँ होता है इसका, देखिए अगर आपको नाक में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, आपको खांसी है या गले में कोई संक्रमण है, गले से संबंधित कहीं भी संक्रमण है, सांस लेने में दिक्कत है, गले में दुखन है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर दो पर आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये एक साल्ट है। बात करें ब्रांड नेम की तो ये सिप्लोक्स 250 या सिप्लोक्स 500 के नाम से आती है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम टाइफॉइड, स्किन एलर्जी, इंजरी, अगर आपको कोई चोट लग गई है या आपको दस्त लग गए हैं, आपको खांसी है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीन पर आती है ओफ्लोक्सासिन, जैसा कि आपको हर बार बता रहा हूँ कि एक साल्ट है जो मैं पहले बता रहा हूँ, ये ब्रांड नेम से आती है ज़ेनफ्लोक्स 200 के। इसका इस्तेमाल होता है स्किन एलर्जी, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई दिक्कत है, दर्द है, दुखन है, आंतों में कोई संक्रमण है, लीवर में कोई संक्रमण है, या फिर UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी से लेकर के बाथरूम जहां से बाहर निकलता है यूरेथ्रा तक में कोई इन्फेक्शन है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर चार पर आती है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेव्यूलेनेट, ये आती है मोक्सिकेंट CV 625 के नाम से। अगर आपको कान में इन्फेक्शन है, लंग में इन्फेक्शन है यानी खांसी है, बलगम जम रहा है, UTI इन्फेक्शन है, वाउंड है यानी कोई जख्म है, खांसी है, बुखार है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर पाँच पर आता है डॉक्सीसाइक्लिन, ये डॉक्सीसिप 100 के नाम से आपको आसानी से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल पिंपल जैसे चेहरे पर मुहासे हो गए हैं, खांसी आपको हो गई है, UTI इन्फेक्शन आपको हो गया है, आंखों का कोई संक्रमण है, खाज खुजली की समस्या है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर छः पर आती है सेफ्यूरोक्साइम, ये सेफ्यूवेल 250 या 500 mg के नाम से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल निमोनिया, UTI इन्फेक्शन और ऑपरेशन के जब टाँके लगते हैं उनको सुखाने में, जब ऑपरेशन होता है तो टाँके जल्दी से ठीक हो जाएं, ये कच्चे ना रहें, उसमें इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सात पर आती है क्लिंडामाइसिन, ये मायोसिन 300 mg के नाम से मिल जाती है। अगर आपको गले में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या पेट में कोई इन्फेक्शन है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर आठ पर आती है सेफ्पोडोक्साइम, ये सिफाकाइंड 500 mg के नाम से मिलती है, मेनकाइंड कंपनी की है। अगर आपको UTI इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है, कान से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, फीवर है, बुखार है आपको, या चोट लग गई है, जख्म हो गया है, तो जख्म को सुखाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर नौ पर बात करते हैं नोरफ्लोक्सासिन की, ये नोरफ्लोक्स 400 यानी नोरफ्लोक्स 400 mg के नाम से मिल जाती है। यदि आपको आंतों में संक्रमण है, UTI इन्फेक्शन आपको है, पेशाब में जलन है, पेशाब करते हुए कोई दिक्कत आ रही है, खुलकर पेशाब नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है नली में, आपको दस्त लग गए हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तब इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट थी जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, डॉक्टर सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।